एपिसोड के स्टार्ट में वहीं से दिखाया जाता है। मैनेजर सुनसा को कॉल कर रहे होते हैं और उसको कहते हैं कि आखिर तुम कब तक यहाँ पर पहुँचोगी, सब लोग तुम्हारा वेट कर रहे हैं। जैसे ये फोन रखते हैं इतने में सुनसा भागते हुए अंदर आ जाती है और मैनेजर उसको कहते हैं कि यहाँ पे सब लोग तुम्हारा वेट कर रहे हैं। सुनसा जैसे अंदर आती है तो वो सब लोगों से माफी मांगने लगती है और उनको बताती है कि मेरी बाइक खराब हो गई थी, इसी वजह से मुझे आने में लेट हो गया। पास ही में जो वर्कर्स खड़े होते हैं वो सुनसा को देख के कह रहे होते हैं कि अभी तो ये सुपरस्टार नहीं बनी तो इतना वेट करवा रही है, लेकिन जब ये सुपरस्टार बन जाएगी तो पता नहीं हमें कितना और वेट करना पड़ेगा। लेकिन सुनसा इनकी बातों का कोई जवाब नहीं देती। इतने में वहाँ पे मिस्सू आ जाती हैं। मिस्सू आते ही कहती हैं कि अब जबकि सुनसा आ गई है तो हमें और वेट नहीं करना चाहिए, शूटिंग स्टार्ट कर देना चाहिए। जिससे मिस्सू की असिस्टेंट कहती है कि लेकिन अभी तक तुमने खाना नहीं खाया, पहले तुम खाना खा लो। तो मिस्सू उनको साफ मना कर देती है और कहती है कि मुझे लोगों को वेट करवाना अच्छा नहीं लगता, खाना मैं बाद में खाऊंगी, पहले जो मेरा सीन है उसको मैं शूट करूंगी। मिस्टर डैन को भी मिस्सू की ओवर एक्टिंग पे हंसी आ रही होती है। ये कहते हुए वो सुनसा को कॉफी देने लगती है, जिसपे मैनेजर कहते हैं कि ले लो, इन्होंने पूरी टीम के लिए कॉफी मंगवाई है। सुनसा जिसपे कॉफी ले लेती है और उनको थैंक यू कहती है और साथ ही वो कॉफी पीने लग जाती है। वही मिस्सू अपने दिल में सोच रही होती है कि इस कॉफी के अंदर मैंने नींद की गोलियां मिलाई है, अब ये पीने के बाद तुम सो जाओगी और एक्टिंग नहीं कर पाओगी। ये सोचते हुए मिस्सू वहाँ से चले जाती हैं। उनके जाते ही मैनेजर भी वहाँ से चले जाते हैं। फिर मिस्टर डैन सुनसा को बताते हैं कि मिस्सू ने दोबारा से तुम्हें धोखा देने के बारे में सोचा है और मुझे पता है कि इसके बाद तुम एक्टिंग नहीं कर पाओगी। अब मुझे लगता है कि मुझे ही तुम्हें कंट्रोल करना पड़ेगा क्योंकि ये सीन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे वो कट बोलते हैं तो मिस्सू पीछे हटती है और हिरन को देख के मुस्कुरा रही होती है, लेकिन हिरन काफी ज्यादा शॉक नजर आ रहा होता है। हिरन अपना मुंह उधर कर लेता है और उसके बाद फौरन वहाँ से चला जाता है। मिस्सू फिर भी मुस्कुरा रही होती है। फिर वही दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है, मूवी डायरेक्टर सुनसा को सारा सीन समझा रहे होते हैं और उसको कहते हैं कि जैसे अभी मिस्सू ने किया तुम्हें भी सेम वही सीन करना है, क्योंकि इस ड्रामे में तुम्हें हिरन के लवर दिखाना है जबकि मिस्सू को विलन के रोल में लिया है। इसका नाम सुनते ही मिस्टर डैन और सुनसा दोनों ही बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, जिस पर डायरेक्टर सुनसा को कहते हैं कि तुम बहुत ज्यादा खुशनसीब हो, तुम अभी न्यू हो और तुम्हें स्टार्ट में ही किसिंग का सीन मिल गया है, इससे तुम एक दूसरे को बहुत अच्छे से जान सकते हो, ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ये कहते हुए वो लोग फौरन वहाँ से चले जाते हैं। फिर वहीं शूटिंग स्टार्ट हो जाती है। सुनसा हिरन को पकड़ती है और उसको कहती है कि जब तुम मेरे करीब होते हो तो मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता। ये कहने के बाद उसको किस करनी होती है, लेकिन वो मिस्टर डैन को देखने लग जाती है, जिस पर डायरेक्टर फौरन कट कहते हैं और कहते हैं कि तुम ये क्या कर रही हो, तुम्हें अपने हीरो पे फोकस करना है ना कि कहीं और। जिस पे सुनसा उनसे माफी मांगती है और ये सीन दोबारा से स्टार्ट होता है। वही मिस्सू बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होती है क्योंकि उनको पता होता है कि सुनसा ये सीन नहीं कर पाएगी, लेकिन हिरन भी सुनसा को यकीन दिलाता है कि तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जिस पे सुनसा अभी भी परेशान हो रही होती है तो वो हिरन को एक ऑफर देती है। वो कहती है कि क्यों ना हम दोनों एक फेक डेटिंग स्टार्ट करें। मिस्टर डैनी सुनते ही फौरन सुनसा को आके किस कर लेते हैं और उसकी बॉडी में आ जाती है। इसका पहला शूट है और देखो इसने कितना ज्यादा कमाल कर दिया है। डायरेक्टर जैसी कट कहते हैं तो मिस्टर डैन हिरन को पीछे धक्का देते हैं और उनको वो वेटिंग आने लगती है। फिर वही हमें दिखाया जाता है, सुनसा को उल्टियाँ हो रही होती है और साथ ही मिस्टर डैन को भी उल्टी हो रही होती है। सुनसा जैसी उनका नाम लेती है तो मिस्टर डैन कहते हैं कि मुझे लगा था कि तुम इस सीन में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर दोगी, इसी वजह से मैं तुम्हारी बॉडी में आ गया, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की, ऐसा लग रहा है कि मेरे सारे इमोशंस बहुत ज्यादा इफेक्टेड हुए हैं। लेकिन सुनसा को ये बात समझ में नहीं आती। वही मिस्टर डैन ये सोच रहे होते हैं कि ये सब कुछ क्या मैं एक लड़की के लिए कर रहा हूँ, मैं कितना ज्यादा अनप्रोफेशनल हूँ। फिर वही हमें दूसरे सीन का दिखाया जाता है। डायरेक्टर इन दोनों को दूसरे सीन के बारे में समझा रहे होते हैं और इस सीन के अंदर सुनसा को मिस्सू के ऊपर थोड़ा टॉर्चर करना होगा। ये दोनों मान जाते हैं, सीन स्टार्ट किया जाता है। सीन स्टार्ट करते ही मिस्सू पहले अपनी लाइंस बोलती हैं और उसके बाद सुनसा की लाइंस करने लग जाती हैं। उसके फेस पे हाथ फेरती हैं और साथ ही उसके बाल भी पकड़ लेती हैं। यहाँ सुनसा बिचारी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। सुनसा इतना डर जाती है कि वो अपनी लाइन तक सही से नहीं बोल पा रही होती है। वही डायरेक्टर कट कहते हैं और मिस्सू को कहते हैं कि तुम्हें क्या हो गया, तुम सुनसा की लाइन्स क्यों बोल रही हो। जिसपे मिस्सू कहती है कि शायद मुझसे कोई गलती हो गई, आप दोबारा से रीटेक लें, मैं अपनी लाइन सही से बोलूंगी। दोबारा रीटेक किया जाता है, उसके ऊपर भी मिस्सू अपनी लाइन सही से नहीं बोल रही होती, वो लाइन्स को घुमा फिरा के बोल रही होती है, जिसकी वजह से सुनसा डिस्टर्ब हो रही होती है। डायरेक्टर उसको बोलने लग जाते हैं। वहीं लोग खड़े हुए सुनसा के ऊपर हंस रहे होते हैं। जब सुनसा ये सीन देखती है तो उसकी तबीयत खराब होने लगती है। मिस्टर डैन भी सुनसा की ये हालत देख रहे होते हैं और देख के उनको काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो यही कह रहे होते हैं कि अब वक्त आ गया है इस औरत को मजा चकाने का। ये कहते हुए वो सुनसा को किस कर लेते हैं और उसकी बॉडी में आ जाते हैं और बॉडी में आते ही वो डायरेक्टर से माफी मांगने लगते हैं और कहते हैं कि आप प्लीज सीन दोबारा से रिकॉर्ड कीजिए। वही डायरेक्टर भी खड़े हो जाते हैं, गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि अभी तुम्हारा लास्ट चांस है। सीन दोबारा से स्टार्ट होता है। मिस्सू दोबारा से उसको टॉर्चर करने की कोशिश करती हैं
लेकिन अब की बार मिस्टर डैन उसका हाथ पकड़ लेते हैं और हाथ को इतनी ज्यादा जोर से दबाते हैं कि सुनजाओ अपना हाथ नहीं छुड़वा पा रही होती। साथ ही वो मिस सू की शोल्डर्स भी इतने टाइट पकड़ते हैं कि वो छुड़वाने की कोशिश कर रही होती हैं कि वो छुड़वा नहीं पाती। जैसी वो छुड़वा के भागने की कोशिश करती है तो सुनजाओ उनको पकड़ के गले लगा लेती है और जो फिल्म्स की लाइन बोलनी होती है वो लाइन बोलती है। डायरेक्टर इतने में कट कहते हैं, ये सीन देख के वो भी बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि अब तुमने बहुत अच्छा किया। फिर वहीं मेकअप रूम का दिखाया जाता है। मिसू बहुत परेशान होती है और सुनजाओ को देख के यही सोच रही होती हैं कि मैंने तो इसकी कॉफी में कुछ मिलाया था, इसका मतलब ये सुनजाओ नहीं है, इसकी बॉडी में कोई और है। और साथ ही इसके एक्टिंग करने और बोलने का स्टाइल बिल्कुल मिस्टर डैन से मिलता है। ये सोचते हुए वो आइडिया लगा लेती है कि कहीं इसकी बॉडी के अंदर मिस्टर डैन की रूह तो नहीं है। ये सोचते हुए इतना डर जाती है कि उसके हाथ से उसकी स्क्रिप्ट ही नीचे गिर जाती है। फिर मिसू सुनजाओ के पास चलती हुई आने लगती है और उसको अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करती है। वो ऐसे बात कर रही होती हैं जैसे वो मिस्टर डैन से बात कर रही हैं और कहती हैं कि तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम किसी और की बॉडी यूज करके मुझे तंग कर पाओगे। मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे बदला लेने चाहते हो, मगर अब तुम मर चुके हो तो तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, तो अब एक्टिंग बंद कर दो, मुझे पता है कि तुम मिस्टर डैन हो। ये सुन के मिस्टर डैन बहुत हैरान होते हैं और आते ही उसको शोल्डर से पकड़ लेते हैं और वो मिसू पे इतना ज्यादा गुस्सा करने लगते हैं कि मिसू डर जाती हैं और कहती है कि मुझसे बदला लेने की कोशिश मत करना, तुम्हारी मौत के पीछे मेरा हाथ नहीं है। लेकिन मिस्टर डैन उसे कह रहे होते हैं कि मुझे पता है कि उस रात जिस औरत की मेरे पास कॉल आई थी वो तुम थी, तुम मुझे बताओ कि उस रात ऐसा क्या हुआ था। लेकिन मिसू नहीं बता रही होती तो मिस्टर डैन उनका गला पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि अब मुझे बताओ, अगर तुमने झूठ बोला तब तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मिसू मिन्नतें कर रही होती हूँ, कहती है कि मुझे छोड़ दो। मिस्टर डैन उनको छोड़ते हैं तो मिसू उनको बताने लग जाती हूँ, कहती है कि उस रात मैं बहुत ज्यादा डर गई थी, इसी वजह से मैंने तुम्हें कॉल की और मैंने बस तुमसे इतना ही कहा था कि हम दोनों के रिलेशन के बारे में तुम लोगों को नहीं बता सकते जब तक कि मुझे बेस्ट एक्टर का अवार्ड नहीं मिल जाता। जब कार एक्सीडेंट की आवाज आई ये सुन के मैं एकदम शॉक्ड हो गई और मेरे दिल में कहीं ना कहीं ये था कि तुमने अपने मोबाइल में मेरे लिए कोई सबूत ना रखा हो, इसी वजह से मुझे एक्सीडेंट वाली जगह पे आना पड़ा ताकि मैं तुम्हारे मोबाइल में से अपने सारे सबूत डिलीट कर दूं। लेकिन तुम्हारे मोबाइल में ऐसा कुछ भी नहीं था और तुम वहाँ पे पड़े हुए थे और इर्द गिर्द कोई भी नहीं था, इसी वजह से मुझे एम्बुलेंस को भी कॉल करना पड़ा। मिस्टर डैन को ये सब बातें सुनके थोड़ा अजीब लगता है। वही मिसू कहती है, क्या तुम वाकई सुनजाओ की बॉडी इस्तेमाल कर रहे हो या तुम्हारे पास कोई स्पेशल सुपर पावर्स हैं कि तुम लोगों का दिमाग पढ़ सकते हो या उड़ सकते हो। मिस्टर डैन सुनते ही मिसू को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ कि अब इस लड़की को परेशान करने की हिम्मत भी मत करना, ये मेरी लड़की है तो इससे दूर रहना। ये सुन के मिसू अपने आप को छुड़वा लेती हूँ, कहती है कि मैं इतनी भी पागल नहीं हूँ कि इस बारे में सबको जाके बता दूँ। साथ ही वो पूछती है कि मुझे एक बात बताओ, मुझे तो ऐसा लगता है कि सुनजाओ हिरन को पसंद करती है, मगर अब तुम कह रहे हो कि ये तुम्हारी लड़की है, क्या तुम दोनों का कोई स्पेशल रिलेशन है। जिसपे मिस्टर डैन कहते हैं कि अच्छा होगा कि मुझ पर ध्यान देने के बजाय तुम हिरन पे ध्यान दो क्योंकि वो तुम्हारा पहला प्यार है और मैं जानता हूँ कि तुम उसको कभी भी नहीं भूल सकती। हिरन काफी टाइम तक मेरा असिस्टेंट रहा है इसलिए मुझे पता है कि उसको क्या क्या चीजें पसंद है, अगर तुम अपने आप को इसी तरह बना लो तो हिरन भी तुमसे प्यार करने लगेगा। और ये कहते हुए मिसू को चीजें बताने लग जाते हैं कि एक लड़के को लड़की में क्या क्या चीजें पसंद होती हैं। बताते हुए मिस्टर डैन यही सोच रहे होते हैं कि सुनजाओ मैं ये सब कुछ इसलिए नहीं कर रहा ताकि तुम्हारा हिरन से ब्रेकअप हो जाए, बल्कि ये सब कुछ मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि अब ये तुम्हें और ज्यादा परेशान ना करे और तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ती जाओ। फिर वही अब घर जाने की बारी आती है। घर जाते हुए सुनजाओ डायरेक्टर से मिलती है। डायरेक्टर उससे बहुत ज्यादा खुश होते हैं और उसकी बहुत तारीफ करते हैं और साथ ही कहते हैं जो किसिंग सीन तुमने किया है वो बहुत ही ज्यादा कमाल का है। सुनजाओ जब ये बात सुनती है तो थोड़ा हैरान होती है और वो समझ जाती है कि ये सीन मिस्टर डैन ने किया है। तभी उस वक्त उनको वॉर्म वेटिंग आ रही थी। मिस्टर डैन भी अनजान बनने की कोशिश कर रहे होते हैं। इतने में डायरेक्टर्स वहाँ से चले जाते हैं तो सुनजाओ मिस्टर डैन को थैंक यू करती है और साथ ही उनसे कहती है कि अचानक से तुमने मुझे कंट्रोल क्यों किया। जिसपे मिस्टर डैन बहाना बनाने लगते हैं, कहते हैं कि सिर्फ इसलिए क्योंकि मिसू तुम्हें परेशान कर रही थी। जिसपे सुनजाओ कहती है कि मैं बताती हूँ कि वो सीन तो मिसू का था ही नहीं, तुमने मुझे कंट्रोल इसलिए किया क्योंकि तुम नहीं चाहते कि मैं किसी और को किस करूँ। लेकिन मिस्टर डैन इस बात को बदल देते हैं, कहते हैं हम किसी और टॉपिक पे बात करते हैं। इतने में सुनजाओ को याद आता है और वो काफी ज्यादा हैरान होती है। वो कहती है कि इसका मतलब तुम दोनों ने इससे पहले भी एक दफा किस कर चुके हो। मिस्टर डैन सुन के खुद भी एकदम परेशान हो जाते हैं और फौरन कहते हैं कि तुम्हें भूल गई हो कि घर पे तुम्हारा आखिर कौन वेट कर रहा है। सुनते ही उसको याद आता है कि उसकी मॉम उसका घर पे वेट कर रही है। वो फौरन भागती हुई वहां से चली जाती है। वही हिरन भी जा रहा होता है। कितने में मिसू उसके पास आती है और अपने स्ट्रेट किए हुए बाल उसको दिखा रही होती हूँ। कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हें स्ट्रेट बाल पसंद है। जिसपे हिरन कहता है कि अगर तुमने बाल स्ट्रेट मेरे लिए किए हैं तो उसके लिए तुम्हारा थैंक यू, मगर पता नहीं क्यों ये बाल तुम पे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे। ये कहते हुए हिरन वहाँ से चला जाता है और मिसू थोड़ा सैड हो जाती हैं। यहीं पर ही हमारा एपिसोड खत्म होता है। आई होप सो कि गाइस आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आया हो।